हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? वेलकम टू ड्रोन टेक डॉक्टर वंस अगेन। तो आज का टॉपिक है काफ़ी खास और एक नई इन्फॉर्मेशन जो लेके आया हूँ आपके लिए, ये उनके लिए जो कि फ्लाइंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोलना चाहते हैं ड्रोन्स के लिए फ्यूचर में, क्योंकि ड्रोन्स हो गए हैं लीगल। अब उनको उड़ाने के लिए अगर कोई ट्रेनिंग लेना चाहता है, ड्रोन पायलट बनना चाहता है, तो उनको चाहिए फ्लाइट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन। तो FTO खोलने के लिए कुछ सेट ऑफ प्रोसीजर्स बताए गए हैं DGAC के द्वारा, तो वो आपको फॉलो करना पड़ेंगे। मैं सारे तो यहाँ बता नहीं पाऊँगा, अगर मैं सारे एक एक प्रोसीजर यहाँ पर बताने लग गया तो 2 घंटे से ज़्यादा का वीडियो बन जाएगा, इतना लंबे चौड़े प्रोसीजर हैं। लेकिन इस वीडियो में आपको मैं पूरा पूरा आइडिया दे दूँगा कि क्या क्या आपको करना पड़ेगा टू ओपन ए फ्लाइंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फॉर इम्पार्टिंग ट्रेनिंग फॉर द ड्रोन फ्लाइंग। तो इसमें आपको करने के लिए सबसे पहले तो आपको एक लिस्ट जारी करी गई है DGACA की तरफ से, जिसमें लिस्ट दी गई है, वो मैं आपको लिंक भी दे दूंगा। उसमें 34 नाम हैं, ये उनके नाम हैं जो कि अप्रूव किए गए हैं एज ट्रेनर फ्रॉम द DGACA फॉर RPA रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट भी कहा जाता है ड्रोन को, तो उसको कंट्रोल करने के लिए कुछ लिस्ट ऑफ ट्रेनर्स बनाई गई है। तो वो आप देख सकते हैं इसमें लिस्ट में, ये मैं आपको थोड़ा दिखा देता हूँ। ये लिस्ट है अराउंड 34 मेंबर्स की। तो ये मैं आपको क्यों दिखा रहा हूँ, इसकी मैंने लिंक भी आपको दे दी है जो कि DGACA की साइट पर अवेलेबल है। तो बेसिकली ये जो लिस्ट है, जब भी आपने, अगर आप सोच रहे हैं इन फ्यूचर में खोलने का FTO फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन फॉर ड्रोन्स, तो इनमें से कुछ लोग आपको अपने ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में रखने ही पड़ेंगे। इनके बिना आप अपना ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट नहीं खोल पाएंगे, क्योंकि ये अप्रूव्ड ट्रेनर्स हैं फ्रॉम DGACA। तो इनके साथ कोलैबोरेशन में ही आपको काम करना पड़ेगा या इंस्टीट्यूट खोलना पड़ेगा। तो पहली रिक्वायरमेंट है, इनमें से किसी को भी ज़रूरी एक या दो ट्रेनर्स को आपको हायर करना पड़ेगा और अपना एग्रीमेंट साइन करना पड़ेगा, सारा कुछ करना पड़ेगा। ये नंबर वन रिक्वायरमेंट है कि DGACA अप्रूव्ड ट्रेनर ही उसमें होना चाहिए, तभी आपका जो फ्लाइंट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन FTO है वो अप्रूव होगा और वो DGACA की साइट पर आएगा। तो जिन लोगों ने अप्रूव्ड FTO जो बन चुके हैं उनकी लिस्ट लेनी है, वो मैंने पहले वाले एक वीडियो बनाया था, आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, वो आपको मिल जाएगा। वहाँ पर सारे मैंने इंस्टीट्यूट जो अप्रूव हो चुके हैं उनमें ये ट्रेनर्स हैं, तो आप देख सकते हैं वो लिस्ट। और अगर कोई इन फ्यूचर में नया खोलना चाहता है तो उसके लिए मैं वीडियो में बता रहा हूँ कि इनमें से किसी एक को आप एक या दो को हायर करना पड़ेगा। उसके अलावा नंबर टू, आपको एक स्पेस रखनी पड़ेगी अपने पास जो कि काफ़ी खुली होगी और उसमें सारी इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से एक पूरा मैनुअल दिया गया है DGACA के द्वारा, वो मैंने लिंक में दे दिया है। वो आप जो इंटरेस्टेड है उसको, मतलब इन फ्यूचर में सीरियसली बनाना ही चाहता है, तो वो उसको पढ़ सकता है। उसमें एक एक चीज़ बताई गई है कि ड्रोन्स को स्टोर करने की जगह, ड्रोन्स को फ्लाई करने की जगह, क्लासेस के लिए अलग जगह, मतलब एक लंबा चौड़ा पूरा मैनुअल बनाया गया कि एक प्रॉपर इंस्टीट्यूट बनाने के लिए आपको ये सब कुछ फॉलो करना पड़ेगा। ये जब सब रिक्वायरमेंट्स आपके पास हो जाएंगी तो एक प्रॉपर फॉर्म है उस मैनुअल के अंदर, वो आपको भरना पड़ेगा। उसमें आप एज ए मैनेजर जो मालिक हैं, मतलब वो साइन करेंगे, उसके साथ आपके जो ट्रेनर, जो अप्रूव ट्रेनर की लिस्ट मैंने आपको दिखाई है उनमें से एक या दो बंदे जो भी आप ले रहे हैं वो भी साइन करेंगे, दोनों का कंबाइंड सिग्नेचर्स होंगे। और फिर ये जो एप्लीकेशन है जिसमें सारे रिक्वायरमेंट्स आप भरेंगे कि यस हमारे पास ड्रोन्स भी हैं, हमारे पास स्पेस भी है, हमारे पास अप्रूव्ड ट्रेनर का एग्रीमेंट, साइंड एग्रीमेंट भी है, ये सब कुछ करने के बाद वो जो डॉक्यूमेंट वाली फाइल आप DGACA को भेजेंगे, फिर वो सारी इंक्वायरी करने के बाद ये सारी फाइल चेक करेगी, एक एक पॉइंट चेक करेगी और उसके बाद आपको क्लियरेंस दी जाएगी अपना ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोलने के लिए, FTO खोलने के लिए। और इन सब चीज़ों के बाद आपका जो FTO है वो DGACA की लिस्ट में जुड़ जाएगा। काफ़ी जुड़ चुके हैं पहले ही, और अगर आप इन फ्यूचर में जोड़ना चाहते हैं तो आप भी जोड़ पाएंगे। तो यही थी 2 मेन रिक्वायरमेंट्स, एक बार फिर से समराइज करता हूँ। सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है DGACA के अप्रूव ट्रेनर्स को अपने साथ मिलाना, नंबर टू प्रॉपर स्पेस होना, नंबर थ्री सारी रेगुलेशन जो वहाँ पर स्टोरेज है ड्रोन्स की, सारा कुछ प्रॉपर क्लासरूम स्पेस एवरीथिंग मैनुअल में दिया उसके हिसाब से होना। ये तीनों रिक्वायरमेंट जब आप पूरी कर लेंगे तब आप एप्लीकेशन भरकर फाइल कर सकते हैं, और फिर वहाँ से DGACA को जब सब कुछ ठीक लगेगा आपके फाइल में तब आपको अप्रूवल दे दी जाएगी। तो ये था एक समराइज और नोट कि आप कैसे FTO खोल सकते हैं इफ़ यू वॉन्ट टू ओपन इन फ्यूचर।
तो होप आपको पसंद आया होगा वीडियो, और जो लिंक्स मैंने बोले हैं इसमें वो मैंने दे दिए हैं। अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए एंड कीप रॉकिंग एंड जय माता दी। और कोई भी क्वेश्चन आपके दिमाग में घूम रहा हो इस चीज़ को लेके तो प्लीज नीचे कमेंट बॉक्स में भर डालिए कमेंट बॉक्स, बिकॉज आई लव कमेंट्स। जो भी आप देते हैं क्वेश्चन पूछते हैं मुझे अच्छा लगता है आंसर करना। एंड संडे को 6:30 से 7 के बीच में मैं हर संडे लाइव होता हूँ, और आप लाइव ही मुझसे क्वेश्चन आंसर्स कर सकते हैं। तो डेफिनेटली उसमें जो मैं रिक्वेस्ट आती है मेरे पास वो मैं माइंड में रखता हूँ, उसके ऊपर वीडियो बनते हैं। और कोई भी आपके दिमाग में रिक्वेस्ट हो कि इस पे वीडियो बनाया जाए वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो डेफिनेटली आई विल मेक दैट। थैंक यू। जय माता दी।